नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं समय RN45 एजुकेशन पर। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से लेकर अब बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि अब जो है आप लोगों को भर्ती देखने को ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की, तो पिछले 4 से 5 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आई है और अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी वेट कर रहे थे। तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अब उनका इंतज़ार जो है ख़त्म हो सकता है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी, 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। ये पूरी खबर क्या है मैं आप लोगों को सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप लोगों को यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर जो है बैठक चल रही है, और अगर बात करें मुख्यमंत्री जी की, तो उनकी भी जो है काफ़ी सारी मीटिंग हो रही है। तो अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है कि अब आप लोगों को 21 से 25 दिनों में जो है भर्ती देखने को ज़रूर देखने को मिलेगी। अब ये पूरी खबर देख लीजिए। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पर काम जो है शुरू हो गया है। 1 सप्ताह में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने और 1 से 1.5 माह में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का परिसर नए आयोग का मुख्यालय होगा। और अगर बात करें शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,070 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक TGT PGT के 4,163 पदों पर जो है भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहां 1.14 लाख आवेदन आए हैं, वहीं TGT PGT के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। नए आयोग के गठन के बाद अधूरी पड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी ये कह सकते हैं कि जो भर्तियाँ रुकी हुई थी वो अब शुरू होने वाली हैं। यानी अगर बात करें ओवरऑल उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की, तो उत्तर प्रदेश में अब नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया जो है तेज हो चुकी है। पहले जो है पुरानी भर्तियों को जो है क्लियर किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4,163 पदों पे जो TGT PGT की वैकेंसी निकली थी, पहले उसे पूरा किया जाएगा। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला भी क्लियर किया जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है नई शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है अब तेज़ हो चुकी है। आप लोगों को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में अब शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि दिसंबर लास्ट तक आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा UPTET एग्ज़ाम का। और अगर बात करें नई शिक्षक भर्ती की, तो वो आप लोगों को जनवरी 2024 से देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो ये थी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट। अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा।